साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। साथियों आप सभी को पता ही है चुनाव का टाइम आ गया नजदीक। पूरे हरियाणा में नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव चल रहा है। हमारे किसानों के साथ जो अत्याचार हुई है ना दिल्ली के अंदर, 13 महीने हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। सिंगड़ा से हमारे बाबा जी राम सिंह जी, संत मां राम सिंह जी, वो शहीदी दे गए। 750 किसान हमारे मरवा दिए और ट्रैक्टर जला दिए, टेंट जला दिए, हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारी माता, हमारे बच्चे, हमारे ऊपर बड़ा कहर इन्होंने किया। केवल सिर्फ ओनली बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि ये बीजेपी वो दहशतगर्द, वो घटिया पार्टी है। आज तुम्हें बड़े बड़े लालच देगी, नौकरियां देंगे, ये देंगे, पहले पिछले वादे किए जो वो तो पूरे करो, जो 15 लाख की है 2 करोड़ नौकरियां। अगर मैं ये गिनने लगूं ना तो मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरी हर रोज एक वीडियो आया करेगी। दलवीर जिंदा रतक से बात कर रहा हूं। मैंने आज एक बात और सुनी है कि बीजेपी के जो वर्कर है ना बड़े, मैं नाम नहीं किसी का लेता, वो खुद अपने मुंह से मान रहे हैं मीडिया के सामने कि हमारी ना 2-4 गलतियां हुई हैं। तुम्हारी 2-4 गलतियां नहीं हुई, तुम्हारी गिनती, तुम्हारी गलतियां गिने ना तो मन मन सारी रात निकल जाए। तुमने जो देश के साथ जुल्म किया है ना, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जो इनके जो सपोर्टर है ना, ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। यूपी देखो जाके, यूपी के अंदर ना वो जो सपोर्टर थे ना, जो इनकी बीजेपी वालों की सपोर्ट कर रहे थे, सबसे पहले उनकी कोठी, उनकी बिल्डिंगे, उनके ऊपर ही बुलडोजर चलाया गया। ये चुनाव के बाद ना तेल पानी तैयार करके बुलडोजर दिल्ली में खिला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, ये बीजेपी वालों को। दिल्ली हमारी, हम दिल्ली जाने से किसानों को रोका, पुलिस से डंडे मारे, सड़कें खुदवाई, सड़कें पटवाई, मिट्टी फेंकी, कील गाड़े, और फिर उन्होंने दीवारें ऊंची करवाई, तारें लगाई। ये पैसा किसका था? ये जनता का पैसा है, जनता को लूटा इन्होंने और फिर उन्होंने अपने हाथों से ये ठीक किया। अगर ये इतने लड़ने वाले हो ना, उधर चीन देखो जाके, 600 घर बसा गया, दूसरा पुल फिर तैयार कर रहे हैं, उधर क्यों नहीं आ रहे? ये बीजेपी वाले खाली टिकटों को बंद कराने से ना कोई चीन से इनका नाता नहीं टूट गया। इनके वही प्रोडक्ट जितने भी है ना, सारे प्रोडक्ट टोटल इंडिया में आज चल रहे हैं, चाइना के, चीन के। चीन के साथ इसकी एक बात है, आज जितने भी टूल टैक्स पे, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी ये हाईवे बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही हैं, ये सारी चीन की कंपनियां हैं। चीन के साथ इसकी बिल्कुल बात है, क्योंकि ये जो बीजेपी वाली है ना, तुम तो कहते हो ये सरकार है, मैंने कभी सरकार का नाम ही लिया। सरकार होती है जिसके पास लाल किला हो, चुनाव योग हाथ में हो, LIC हो, एयरपोर्ट हो, हर चीज, बड़ी बड़ी चीज सब बिक गई, कुछ नहीं रह गया। अगर इंटरनेट पर सर्च मार के देखो, 30% पार कर चुके हैं, 30% हमारा भारत बिक चुका है। दोस्तों आने वाले टाइम में ना कुछ नहीं रहेगा, ये सब कुछ बेच देंगे। और वो बानी डानी ना एक दिन इनकी भी गांठ पे वो लात मारेगी। पहले दिन को पैसा दिखा रहे हैं ना, भी पैसा उठाओ और जनता को लूटो और महंगाई देखो। ये एक बात सच कह रहे हैं, जो 70 सालों से कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने 8 सालों में करके दिखाया है। वाकया सही बात इनकी, 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, 8 सालों में
देश को बर्बाद कर दिया। अब गोदी मीडिया कहाँ गई है? गोदी मीडिया को तो मसल के रख दिया रियल मीडिया ने। कभी देखो कि कितनी कितनी वीडियो इनकी सामने आ रही हैं। अब ये हमारी कॉपी कर रहे हैं, कह रहे हैं भाईचारा बना के रखो। भाईचारे की जरूरत है। जो किसान कहते थे ना बातें दिल्ली में जाके, तो वो बीजेपी वाले आज कह रहे हैं भाईचारा बना के रखो। आज तुम्हें भाईचारा याद आया? अब जो कह रहे हैं ना कि आने वाले टाइम में हमें ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं इन्होंने करना, सिर्फ वोट ले गए, तुम्हारा फोन नहीं उठाना। यही विधायक, यही एमएलए, यही एमपी हमें किसानों को काम पड़ते थे ना, हम इनके फोन करते थे हमारा ये काम कराओ, तो कभी नहीं उठाते। कल हमें बिजली की थोड़ी दिक्कत आ गई है, शमशेर सिंह गोगी हमारा संत वाला एमएलए, उसने एक फोन किया है, कह रहा मेरे किसान मूड में बैठे हैं, जब तक फिल्टर बंद है तुरंत चलना चाहिए, और उसको काम नहीं करने देते। अच्छा ये बीजेपी वाले शमशेर सिंह गोगी को काम ना करने देंगे कि आने वाले टाइम में बीजेपी आ जाएगी? हमें नहीं पता, हमारा बच्चा बच्चा सीख चुका है। बीजेपी वालों, हम वो किसान हैं, हमारा संयुक्त मोर्चा ना ऐसे मजबूत है। मैं हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहा हूं कि जेजेपी और बीजेपी का विश्वास नहीं करना कभी भी। मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग हाथ जोड़ के कह रहे हो इनके बहकावे में मत आना। यही शहरी है ना, जो शहरी आज इनके साथ बीजेपी वाले के साथ इनकी वर्किंग कर रहे हैं, ये शहरी उस दिन कहां थे जिस दिन नोटबंदी और जीएसटी का इन्होंने विरोध किया था, इनको डंडे मार मार के जेलों में फेंका था। और यही आरती कह रहे हैं ना, जो आरती है, जो रोज हर रोज बीजेपी वालों के गले में फूल डालते हैं, साथ में वर्किंग करते हैं, ये आरती कह रहे हैं ना मंडियां बंद हो जाएंगी। अगर बीजेपी ने मंडियां बंद करवा देनी है, जब हम पैसा लेने जाते हैं आरतियों के पास, फिर इनकी सपोर्ट क्यों करते हो? जब मंडियां बंद हो जानियां ने, फिर इनका साथ क्यों दे रहे हो? घर बैठ जाओ। मैं तो अपने किसान भाइयों को कह रहा हूं, किसान भाइयों घर बैठ जाओ, इनका विश्वास नहीं करना। और दूसरी कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कैंडिडेट जो है ना वो भी उसके बारे में हम माड़ी चंगी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पार्टी मारी है। जो पार्टी में आया ना वो पार्टी बुरी है। बंदे को हम कुछ नहीं कहेंगे, बंदे के खिलाफ हम नारा नहीं लगाएंगे, लेकिन जेजेपी का वो बुरा हाल हम करेंगे ना हरियाणा के अंदर, छत्ती बरादरी हमारे किसान भाई जो हैं इनको नानी याद करवा देंगे। ये हमारा चैलेंज है, खुल के कह रहे हैं। श्री गांधी जी।